हर चीज आप एक्सपीरियंस करें जरूरी नहीं है, जो सीख सकता है वही सिखा सकता है, जो सीख नहीं सकता। खैर आगे बढ़ते हैं, नॉलेज, नॉलेजेबल व्यक्ति को होना ही पड़ेगा। नॉलेज से आप क्या समझते हैं, क्या समझते सर, आप क्या समझते हैं ज्ञान? डिफाइन करो ज्ञान को। ज्ञान, स्किल और एटीट्यूड, इन तीनों चीज में फर्क है। ज्ञान मतलब नॉलेज की बात, नॉलेज इट मीन्स इंफॉर्मेशन। आपके पास इंफॉर्मेशन है और इंफॉर्मेशन कहाँ से आई है, इंफॉर्मेशन आती है एक्सपीरियंस से। अब वो एक्सपीरियंस करे जरूरी नहीं है, है ना, हर चीज़ आप एक्सपीरियंस करे जरूरी नहीं है। लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया उन्होंने उस बेसिस पे थ्योरी बनाई। जैसे कि मैं बात कर लूँ, जैसे कि अल्फ्रेड मार्शल ने जो फील किया उस बेसिस पर उन्होंने वेलफेयर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी। जो भी लोगों ने फील किया या जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपीरियंस किया, उस बेसिस पे जो है आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और वही एक्सपीरियंस क्या बन गई, आज अपने लिए थ्योरी बन गई, वही हमारे लिए क्या बन गई, नॉलेज बन गया। अब एक बंदा जो पढ़ाने जा रहा है उसका तो सबसे बड़ा आधार ही क्या है, नॉलेज है। कितनी इन्फॉर्मेशन उसको है, एटलीस्ट उसके सब्जेक्ट से जुड़ी हुई उसको इन्फॉर्मेशन भरपूर होना चाहिए। हर चीज़ तो नहीं बता सकती, क्योंकि गूगल तो है नहीं, इंसान तो इंसान है, लेकिन फिर भी इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट ऐसा ना हो कि मतलब फंडामेंटल बेसिक चीज़ें ही पता नहीं है। खैर के फॉर नॉलेज आगे बढ़ते हैं। एल फॉर ही और सी मस्ट बी ए गुड लर्नर, अ टीचर शुड बी ए गुड लर्नर। एक टीचर को अच्छा लर्नर होना ही चाहिए, जो सीख सकता है वही सिखा सकता है, जो सीख नहीं सकता वो सिखा भी नहीं सकता है। जिसको सीखने का तरीका नहीं, उसको सिखाने का तरीका नहीं आएगा। आपको अच्छा स्कूल मिला नहीं मिला, अच्छी कोचिंग मिली नहीं मिली, डजेंट मैटर, लेकिन आपने खुद ने सीखा पढ़ा और आपने देखा कि कैसे कैसे मैं सीख सकता हूँ, उस वही फंडामेंटल आप भी लगाएंगे कि आप भी सिखाएंगे। देखना, आप अक्सर देखना कि जो बहुत ज़्यादा नंबर लाने वाले हैं वो बहुत अच्छे टीचर नहीं बन पाते हैं, तो थोड़े बहुत अच्छे नंबर तो लाना पड़ेंगे। मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा कि जो थर्ड क्लास पास हुआ है वो अच्छा पढ़ाएगा, है बिल्कुल नहीं। जो अच्छा पढ़ा है, हो सकता है नंबर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है, तो वो बहुत अच्छा पढ़ा पाता है, क्योंकि उसने थोड़ा डिफिकल्टी फेस की है। और इस दुनिया में एक सबसे बड़ी सच्चाई है कि जिसने जितना दुख झेला है उसको उतना ही ज्ञान होता है, या उसको वो उतना ही जो है वो बेहतर चीज़ कर पाता है। जो वनवास गया है वही राम बना है, है ना। देखिए आज हमारे दो बड़े ग्रंथ हैं, एक तो रामायण और दूसरा महाभारत, भगवद गीता। तो रामायण और महाभारत दोनों में एक चीज़, आप बहुत सारी चीज़ें कॉमन मिलेगी वैसे तो, पर मैं एक चीज़ कॉमन की बोल रहा हूँ कि राम जी भी वनवास गए, इधर पांडव भी वनवास गए, राम जी थोड़े ज़्यादा गए, भगवान बन गए, है ना, ये भक्त बन गए। आप देखेंगे जिसने जितना मतलब मुश्किलें झेली है वही व्यक्ति जो है आगे गया है। तो लर्नर, एक अच्छा लर्नर जो होगा, जो चीज़ें ऑब्जर्व करेगा, जो चीज़ें समझेगा, जो कड़ी से कड़ी जोड़ेगा, जो एनालाइज करेगा, जो अपने आप का जो है इवोल्यूशन करेगा, वही व्यक्ति जो है अच्छे से सीख पाएगा, और जो सीख पाएगा वही सिखा पाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि मुझे ऑब्जर्व करवाना है, या बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं, मुझे इनको जो है ये आदत डलवाना है कि ये खुद अपना आपका भी असेसमेंट करे और मैं खुद भी इनका असेसमेंट करूं। तो जो है आप अच्छे लर्नर रहेंगे, ऑलवेज आप नई नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार रहेंगे, तो आप अच्छी चीज़ें सिखा पाएंगे। खैर ये तो हर जगह अप्लाई होती है। एम फॉर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एम फॉर मेंटर, अ टीचर मस्ट बी ए गुड मेंटर एज वेल। अपार्ट फ्रॉम इस टीचिंग जॉब ये मस्ट बी ए गुड मेंटर। अब आप बोलेंगे कि मेंटर और टीचर में फ़र्क क्या है, तो मैं भी पूछूंगा कि मेंटर और टीचर में फ़र्क क्या है, क्या है आप बताएं, कोई बताएगा मेंटर और टीचर में फ़र्क क्या है? हाँ क्या जी, चलो क्या वो मेंटर जो है गाइडेंस देता है आगे बढ़ने के लिए, है ना, और टीचर
बिल्कुल, यानी कि जो टीचर है वो कंसर्न है उसके सब्जेक्ट के प्रति, वो सब्जेक्ट के प्रति कंसर्न है, और जो मेंटर है वो सब्जेक्ट के अलावा भी जो है सब्जेक्ट से हट करके वो उसको आगे तक का करियर पाथ उसको सजेस्ट कर रहा है ओवरऑल जो है वो, यानी कि जैसे कि जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स जो है वो मेंटर का रोल प्ले कर रहे हैं, जो एक टीचर है जो लंबे समय से बच्चा जुड़ा हुआ है वो एक मेंटर का रोल प्ले कर रहे हैं। मान लीजिए आप किस कोई बच्चा किसी के यहाँ दो महीने कहीं डिप्लोमा कोर्स करने गया, तो वो उसको क्या पता उसके आगे की पीछे की हिस्ट्री पता नहीं, वो सीधे सिंपली अपना जो सब्जेक्ट वो पढ़ाएगा और चल जाएगा।